ये इसराइल अब हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर एक्शन के बाद अब इसराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली सेना ने एक बयान में दावा किया है कि इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने यमन के बंदरगाह शहर हुदैदाह में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर दर्जनों हमले कर दिए। IDF ने, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसने चेतावनी दी है कि इजरायल ने इजरायल के नागरिकों के लिए खतरा पैदा करने वाला उस पर कार्रवाई करेगा। इजरायल इसके लिए चाहे उसे कितना ही दूर क्यों ना जाना पड़े। तो ये IDF का एक बड़ा बयान, और इससे साफ पता चलता है कि IDF अपने ऑपरेशंस इतनी जल्दी रोकने वाला नहीं है। एक और बड़ी अपडेट है, इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह की बद्र यूनिट का कमांडर अबू अली रदा भी मारा गया है। इसके अलावा मोहम्मद दहराज की भी इसराइल के हमले में मौत हो गई है। इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह प्रमुख के हसन नसरल्लाह के साथ 20 और हिजबुल्लाह कमांडरों की मौत हुई है। इसमें दक्षिणी मोर्चे का कमांडर भी शामिल है जो पिछले सप्ताह हमले में बाल बाल बच गया था। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह की बद्र यूनिट का कमांडर अबू अली रदा भी मारा गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।